ऐसे में जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां से करोड़ों रुपए की नकदी की बरामदगी हो रही है, तब गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक उमेश मकवाना ने अजीबोगरीब मांग को लेकर पत्र लिखा है। बतौर विधायक एक साल पूरा होने पर उमेश मकवाना ने बोटाद के लोगों को आभार व्यक्त करते हुए लिखा है कि राज्य के सभी विधायकों, सांसदों और IAS IPS अफसरों की संपत्ति की जाँच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराई जाए। उमेश मकवाना ने ये पत्र मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है। मकवाना ने मांग की है कि उनकी आय और संपत्ति की ACB, ED या CBI जांच कराई जाए। इसके साथ ही गुजरात के विधायक, सांसद, मंत्री और IPS और IAS अधिकारियों की आय और संपत्ति की जांच की जानी चाहिए और जांच की रिपोर्ट जनता के सामने ऑनलाइन रखी जानी चाहिए। उमेश मकवाना ने खुद अपने खिलाफ जांच की मांग की। मकवाना की मांग है कि सभी नेता अपने कार्यों को जनता के सामने भी रखें। उमेश मकवाना के इस पत्र की खूब चर्चा हो रही है, तो वही 2022 के चुनाव में उमेश मकवाना बोटाद से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। पिछले साल 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे। इसमें BJP ने सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए 182 में से 156 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। 3 अन्य सीटें निर्दलियों ने जीती थी। बोटाद में जीत उमेश मकवाना ने चुनाव में BJP के उम्मीदवार घनश्याम वीरानी को हराया था। मकवाना 2700 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे। इससे पहले 2002 से इस सीट पर लगातार BJP का कब्जा था।